हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएस। दोस्तों, एनवायरनमेंट की सीरीज़ के अंदर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी के अंदर हम सॉलिड वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर ई वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में बात की थी, तो चलिए अब सॉलिड वेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब सॉलिड वेस्ट की बात आती है तो हमें समझना पड़ेगा सॉलिड वेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो ये काफ़ी सिंपल है सॉलिड वेस्ट के बारे में, जो आपके घरों से निकल रहा है, इंडस्ट्री वगैरह से निकल रहा है, जिसके अंदर आपके घर से निकली हुई तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। उसमें बायोडिग्रेडेबल चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे आपकी जो सड़ी गली सब्जियां वगैरह होंगी, जो फूड वगैरह का वेस्ट है वो हो सकता है, आपके घर से जो कूड़ा करकट निकल रहा है उसका वेस्ट हो सकता है, और उसके अलावा आपके घर से ई वेस्ट वगैरह निकल रहा है जिसको आप रिकोलेक्शन सेंटर के अंदर नहीं जमा करवा रहे हो, वो डायरेक्टली आप अपने डस्टबिन के अंदर फेंक दोगे, वो भी हमारा पार्ट बन जाएगा सॉलिड वेस्ट का। तो जो ई वेस्ट के बारे में देखा था, ई वेस्ट भी हमारे सॉलिड वेस्ट का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। हालांकि काफ़ी छोटा पार्ट है इसका ये, लेकिन ई वेस्ट काफ़ी हार्मफुल है, इसीलिए हमने इसको सेपरेट डिस्कस किया। तो सॉलिड वेस्ट के बारे में पता चल गया, सॉलिड वेस्ट कोई भी डिस्कार्डेड अबेंडेंड, जिसको छोड़ दिया आपने, बाहर निकाल दिया, ऐसा मटेरियल होगा। ये सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई मटेरियल जिसके अंदर गैस वगैरह भरी हुई है उस टाइप का मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट काफ़ी सिंपल चीज़ है, और इसकी किस तरीके से इसको डिस्पोज़ किया जाए वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें इसके अंदर डाली हुई हैं, अलग अलग फॉर्म के अंदर हो सकता है, ठीक है, सॉलिड हो सकता है, वेट हो सकता है, कुछ हजारडस मटेरियल हो सकता है, और कहाँ कहाँ से निकल सकता है, घरों से, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन, जो डेब्रिस होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है, यहाँ या कोई मतलब फैक्ट्री वगैरह है, या कहीं पे डिमोलिशन की जा रही है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा, सैनिटरी रेजिड्यू, हजारडस वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, हॉस्पिटल वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, तो तरह तरह का वेस्ट हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम अब क्या आ सकती है, जैसा हमने यहाँ पे देखा, एक तो आपके पास में क्वांटिटीज़ की बहुत ज़्यादा होगी, उसको आपने कहाँ पे डिस्पोज करना है वो आपके लिए मुश्किल है। दूसरा, कुछ बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो तो डिकम्पोज हो जाएगा, अगर आपको ऐसे भी फेंकोगे तो कुछ टाइम बाद डिकम्पोज होकर वो यूज़फुल मटेरियल में चेंज किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब प्लांट और एनिमल के सोर्सेज से निकला हुआ, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, जैसे हमारे पास प्लास्टिक आ जाता है इसके अंदर, जो नॉर्मल प्रोसेस के अंदर हमारा डिग्रेड नहीं होगा, तो वो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा सकता है। तीसरी बात, जैसे डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट, इम्यूनाइजेशन से निकला हुआ वेस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, तो ये सब जब इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये हमारा जो इसको ट्रीट कर रहा है उसको इशू हो सकता है। और दूसरी बात, अगर इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो ये सॉइल के अंदर मिल जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, ह्यूमन के लिए इशू क्रिएट करेगा। अदर थिंग इसके अलावा आ जाती है कि अगर उसके अंदर रेडियो एक्टिव कोई वेस्ट है, जैसा हमने देखा था कि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है स्मॉल क्वांटिटी में, तो ह्यूमन को कोई असर नहीं करता, और वो स्मॉल स्मॉल चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर में, काफ़ी चीज़ों के अंदर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, अगर वो लार्ज क्वांटिटी में एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और हमारे वाटर को, सॉइल को पॉल्यूट करेगा, तो वो भी हमारे लिए खतरनाक होगा। तो इन कारणों से सॉलिड वेस्ट हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल भी हो सकता है, अगर बायोडिग्रेडेबल को यूज़ किया जाए। इससे अगर आप कंपोस्ट बना दें, जिसको आप अपने गार्डन वगैरह में यूज़ कर सकते हो, उसको बेचा जा सकता है, तो वो एक कमर्शियल एक्टिविटी बन जाती है। अगर आप इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, इससे आप बायोफ्यूल बना दो, तो वो भी आप बेच सकते हो, तो वो आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हैं, जैसे प्लास्टिक के वेस्ट हैं या कोई मेटल के प्रोडक्ट हैं, अगर उनको रिसाइकल कर दिया जाए, ई वेस्ट भी इसी का पार्ट आ रहा है, तो ई वेस्ट को भी यहीं से जोड़ के आप समझ सकते हो, अगर उसको रिसाइकल कर दिया जाए तो उसका भी हमें फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट के बारे में की पॉइंट कुछ देखेंगे, तो ओरिजन होता है इसका डोमेस्टिक हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, कंस्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशनल, कहीं से भी निकल सकता है ये वेस्ट। कंटेंट में क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक का मतलब प्लांट और एनिमल से निकला हुआ कुछ कोई चीज़ें, और इसके अलावा इनऑर्गेनिक हो सकता है, जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, पेपर इत्यादि। फिर बात करेंगे हजारडस पोटेंशियल भी हो सकता है इसमें, कुछ जो मटेरियल होगा वो काफ़ी हजारडस होगा, वो टॉक्सिक हो सकता है, कोई मेटल वगैरह के पीसीज हैं यहाँ पे, हार्मफुल कोई मेटल है, हैवी मेटल्स हैं, नॉन टॉक्सिक हो सकता है, फ्लेमेबल मतलब जल जाए इजीली, उस टाइप का ये प्रोडक्ट हो सकता है, रेडियो एक्टिव भी निकल सकता है, और इन्फेक्शियस भी हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट वगैरह है, वहाँ से इन्फेक्शन वाले वायरस, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल भी प्रेजेंट हो सकता है इसमें। तो इस कारण से जो सॉलिड वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट हमारे लिए आवश्यक है। फिर बात करेंगे हमें इसको डिस्पोज करने की क्यों ज़रूरत है। एक तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेगा, अगर आप इसको जलाओगे तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेगा, ठीक है। सेकंड बात, इससे जो है अगर आप इसको किसी ओपन साइट के ऊपर फेंक दे रहे हो, तो आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुनी होगी, आए दिन होता ही रहता है कि आग लग गई इसके अंदर में, जैसे आपका जो वेस्ट होता है वो डिकम्पोज होने की श्रेणी के अंदर मीथेन की प्रोडक्शन करता है,
और मीथेन को जब छोटा सा स्पार्क लगता है कोई घर्षण की वजह से या किसी मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वहाँ पे आग लग जाती है नेचुरली, तो फ्रीक्वेंट फायर हो सकती है। फायर लगेगी तो अगेन ग्रीन हाउस गैसेज वहाँ से एमिट होंगी, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी को भी खतरा पैदा होगा। फिर अगर आप उसको डंप कर रहे हो कहीं पे, तो आपकी जो लैंड है वो लैंड को इफेक्ट होगा, उसकी वजह से सॉइल की डिग्रेडेशन होगी। एक बड़ी सी लैंड के ऊपर आप अगर वहाँ पे कचरा ही फेंकते जा रहे हो, इतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट होगा, तो ये अलग अलग प्रकार का वेस्ट उस सॉइल को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। इनके अंदर जो एसिडिक मटेरियल होगा वो एसिडिटी इंक्रीज़ करेगा सॉइल की, और उस सॉइल की जो क्वालिटी है क्रॉप्स को उगाने की और अदर जो उसके ऊपर प्लांट यूज़फुल मटेरियल वगैरह उग सकता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो हमारे अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं वो सब यहाँ पे मर जाएंगे, क्योंकि सॉइल जो है पॉल्यूटेड हो चुकी है। फिर अगर इसको बर्न करेंगे तो हार्मफुल गैसेज निकलेंगी इससे, ठीक है। ये हार्मफुल गैसेस डायरेक्टली ह्यूमन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस भी हो सकती हैं जो कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हैं। फिर बात करेंगे जब इसको ओपन में फेंक देंगे तो इसके ऊपर इंसेक्ट, रोडेंट, कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर पैदा हो सकते हैं जो कि बीमारी को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो बीमारियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि सरफेस और ग्राउंड वाटर होता है उसकी कंटेमिनेशन हो सकती है। सरफेस का तो जर्नल है, आपने अगर इसको फेंका हुआ है ओपन में फेंका हुआ है, या इसको लैंडफिल में यहाँ पे डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल के बंद कर दिया, तो एक तो ये पेनिट्रेट करेगा सॉइल के अंदर, सॉइल को पॉल्यूट करेगा। ऊपर से अगर यहाँ से पानी आता है और ये फ्लो करके चला जाता है वाटर बॉडी के अंदर, तो वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगा ये। उसके अलावा जो सॉइल के अंदर आपने इसको डाला हुआ है वो नीचे की तरफ लीच कर जाएगा, ठीक है, और ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाएगा और ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करेगा। तो ये हमारे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं सॉलिड वेस्ट के। अब जब इतने नेगेटिव इफेक्ट हैं तो हमें इसको डिस्पोज भी करना पड़ेगा। अगर इंडिया की बात करेंगे, इतनी बड़ी कंट्री है हमारे पास में, तो इतना सारा म्यूनसिपल जो सॉलिड वेस्ट है वो इतना सारा जनरेट होता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, सेकेंड लार्जेस्ट हमारी पॉपुलेशन है, तो यहाँ से इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली। एक तो वेस्ट जनरेट हो रहा है किसी सोर्स से, सोर्स कहाँ पर हो सकता है, सोर्स ये हमारे सोर्सेज हैं, तो यहाँ पर वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यहाँ से कलेक्ट करने की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूनसिपैलिटी हमारे पास आ जाती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ से कलेक्ट करने की। वो उसने नीचे इंप्लॉय करके रखे हुए हैं अपने एम्प्लॉयज़, और उसके अलावा इनफॉर्मल भी हमारे पास में पर्सन अवेलेबल हैं जो कि इसको कलेक्ट करेंगे और जो बेचेंगे इसको, जैसे कबाड़ी वाले हो गए, या जो इसको यहाँ से उठाएंगे उसके बाद बेच सकते हैं मार्केट के अंदर, वैसे पर्सन इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको कैप्चर किया जाएगा, उसके बाद इसको थोड़ा सा प्रोसेस कर किया जाएगा, उसके अलावा जो बच जाएगा उसको डंप कर दिया जाएगा किसी लैंड के ऊपर, ठीक है। लैंडफिल के अंदर उसको डंप करेंगे, ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, फिर अगले दिन फिर मिट्टी हटाएंगे, फिर वहाँ पे डंप करेंगे, फिर मिट्टी डाल देंगे। तो ये प्रैक्टिस इंडिया के अंदर फॉलो की जाती है। अब हमने यहाँ पे देख लिया कितने इसके नुकसानदायक इफेक्ट हो सकते हैं, अब देख लेते हैं कितना जनरेट होता है इंडिया के अंदर। नुकसान तो इसका ठीक है, लेकिन जनरेट कितना हो रहा है, फिर जनरेट जब हमें पता चल जाएगा उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। इंडिया के अंदर कैसे डिस्पोज होता है, क्या उससे कोई ऐसा तरीका है डिस्पोज करने का जिससे हमें बेनिफिट हो जाए, तो वो सब देखेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं जनरेट कैसे होता है। तो जनरेट अगर बात करेंगे इंडिया के अंदर, अर्बन इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, रूरल की बात नहीं हो रही, अर्बन इंडिया के अंदर भी जो सर्वे किया जाता है वो थोड़ी सी सिटीज़ के अंदर किया जाता है, और उसके बाद उसी डाटा को सोच लिया जाता है, उसको बढ़ा चढ़ा के मतलब एक अनुमान लगाया जाता है कितना वेस्ट होगा। तो उस हिसाब से अर्बन इंडिया की बात करेंगे तो हमारे पास 68 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से पैदा होता है, और यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ अर्बन इंडिया की बात हो रही है, रूरल इंडिया में तो जो फैसिलिटी होती है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने की वो तक अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। हालांकि वेस्ट वहाँ पर कम जनरेट होता है, लेकिन वो फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। और बात करेंगे अर्बन इंडिया की, 68 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से जनरेट होता है, इसमें से 51% जो होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, मतलब इसको आप बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको आप डिग्रेड कर सकते हो। तो 51% ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको समझ आएगा कि कौन से वेस्ट को कैसे हम डिग्रेड करेंगे। 51% तो इसका मतलब अगर हमारे पास में इतना वेस्ट है तो उसका एक लार्ज पार्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ यूजफुल मटीरियल, जैसे उसकी कंपोस्ट बना दी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन करवाया और उससे हमने ह्यूमस बना दिया। अब उस मटेरियल के अंदर कार्बन रिच है, नाइट्रोजन रिच है, उसको आप एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो मटेरियल को, सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी उसको इंक्रीज़ करेगा, उसको अपने गार्डन में यूज़ कर लो। और उसके अलावा आप यहाँ से इस वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर जलाओगे यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, उस एनर्जी से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, वहाँ से आप बायोफ्यूल बना सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट से अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं। तो जो हमारा ऑर्गेनिक है इसका हम यूज़ कर सकते हैं। 17% रिसाइकलेबल है इसमें, जैसे मेटल के पीसेस वगैरह हो गए या कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट, पेपर वगैरह, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 68 मिलियन में से कुछ को रिसाइकल कर देंगे।
अब ये आइडल सिचुएशन बोली जा रही है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। फिर हम बात करेंगे 11% हजार्डस है, हजार्डस की बात करेंगे तो इसके अंदर ई वेस्ट भी हमारा आ जाएगा जो कि हजार्डस है, ठीक है। अब इस वेस्ट के लिए क्या करेंगे, जो ई वेस्ट वाला लेक्चर है वहाँ से आप उठा सकते हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रिसाइकल किया जा सकता है, रिफर्बिश किया जा सकता है, इसको फिर से रिनोवेट करके फिर से बेचा जा सकता है इसको, या इसको अगर हमने डिग्रेड भी करना है तो इसको फिर डिग्रेड करने के लिए हाई क्वालिटी की मशीनरी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हजार्डस आता है, हजार्डस के अंदर ही हमारे पास बायोलॉजिकल हजार्डस भी आ जाएगा जो कि इन्फेक्शन वगैरह कॉज कर सकता है, तो उसको डिस्पोज करने के लिए भी हमें काफ़ी केयर बरतनी पड़ेगी। अदरवाइज जो इन्फेक्शन है, जो हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट है, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स जो कि बीमारियां कॉज कर सकते हैं, वो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। और 21% इनर्ट है, मतलब जो कि एक्शन वगैरह नहीं करेगा, उसके अंदर अलग अलग टाइम के प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो अगर इनर्ट है वो और उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे तो उसको क्या करोगे, आप डंप कर दोगे। मतलब कुछ परसेंटेज तो आपको डंप करनी ही पड़ेगी, बट अगर आप पूरी परसेंटेज को डंप करने लगोगे तो हमने क्या देखा था, सॉइल का पोल्यूशन, सॉइल पहले ही कम अवेलेबल है, अगर आप इतना ज़्यादा डंप करोगे तो पूरा हमारा वर्ल्ड जो है डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। तो ये सब हमारे पास डिवीज़न आता है वेस्ट का। वेस्ट टोटल कितना, 68 मिलियन, उसमें से कितना हम यूज़ कर सकते हैं, ये आपको थोड़े बहुत फैक्ट अगर आपको आइडिया बताओ तो जो आपका आंसर होगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, मतलब दूसरों से अच्छा होगा। जैसे जो मेंस के टॉपिक होते हैं वहाँ पे पेपर 1, 2, 3, 4, वहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे प्रिपेयर करके जाओ कि उनके आंसर आपसे अच्छा कोई नहीं लिख पाता, क्योंकि अगर आप वो लिखोगे तो उससे आपके 2-3 मार्क्स एक एक क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब 2-3 मार्क्स आपके बूस्ट होंगे, और 2-3 मार्क्स अगर आप 5-6 क्वेश्चन के अंदर लेके जाते हो तो वो 20-25 नंबर जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। हर पेपर के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर आप 100 मार्क्स एक्स्ट्रा ले सकते हो जीएस के अंदर तो आपकी जो सिलेक्शन होती है काफ़ी कन्फर्म आप बोल सकते हो उसको। तो कुछ जो टॉपिक होंगे उनके ऊपर डाटा वगैरह प्रिपेयर करके जाओ और उनको काफ़ी अच्छे से, जैसे ये सॉलिड वेस्ट या पॉल्यूशन के टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन आएगा, जैसे वाटर का इशू, वाटर इशू पूरे साल चला ही रहता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वाटर इशू के बारे में तो उनके बारे में थोड़ा अच्छे से नॉलेज लेके जाओ, जैसे रिसेंट में रेगुलेटरी बॉडीज़ का इशू, तो इनको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि जो दूसरे आंसर लिखने वाले होंगे उनसे अच्छा आप लिख पाओ। अगर आप उनसे अच्छा लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और आपको एज मिलेगा। वैसे भी मेंस के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक कोई सर्टेन थ्रेशोल्ड बोला हुआ कि आपको इतने नंबर लेके आने हैं, जैसे मान लो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है आपको नहीं बोला हुआ कि 5 आपको लेने ही पड़ेंगे, वहाँ पे सिर्फ ये बोला हुआ है कि अगर सभी एवरेज के अंदर 4 मार्क्स ले रहे हैं और आप 5 लोगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब रिलेटिव है यहाँ पे सक्सेस। अगर दूसरे काफ़ी बुरा आंसर लिखेंगे, एक एक नंबर सबको आ रहा है और आपको 2 आ गए, फिर भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसी कारण आपको हर टॉपिक, कुछ टॉपिक चूज़ कर लेने चाहिए जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो सॉलिड वेस्ट 68 मिलियन टन, उसका डिवीज़न देख लिया, और 68 मिलियन टन में से ओनली 43 मिलियन टन जो वेस्ट है उसको कलेक्ट कर पाते हैं हम, उसमें से जो कलेक्ट किया हुआ है उसमें से 11.9 मिलियन टन उसको ही ट्रीट कर पाते हैं। ट्रीट करने में ऑर्गेनिक वेस्ट को बोल सकते हैं, ई वेस्ट को वहाँ से मैनेज करने की बात हो सकती है, फिर हमारे पास में बायोलॉजिकल वेस्ट को ट्रीट करने की बात हो सकती है, रिसाइकल करने की बात हो सकती है, सिर्फ इतने को ट्रीट किया जा रहा है। और 31 मिलियन टन जो है उसको डंप कर दिया जाता है लैंडफिल साइट के अंदर, मतलब आपने एक साइट देखी, वहाँ पे खोदा, वहाँ पे उसको डंप किया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, तो उसके अंदर डाल दिया जाता है। अब आप यहाँ से अगर इशू पूछें सॉलिड वेस्ट में तो आपको पता होगा, एक तो सॉलिड वेस्ट क्या क्या कर सकता है, इशू की बारे में बात करेंगे तो ओनली 43% जो वेस्ट है सिर्फ उसको कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्शन की जो प्रोसीजर है उसके अंदर भी कितने इशू हैं वो हम आगे देखने वाले हैं, बट उसमें से इतना ही ट्रीट किया जाता है और इतना हम उसको डंप कर देते हैं जो कि लैंडफिल साइट से नीचे वाटर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। वो उसकी जो डिकम्पोजिशन अगर नहीं होती, वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो वो जो है बाद में वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो नहीं उग सकती, सॉइल की डिग्रेडेशन होगी वहाँ पे, और फायर वगैरह के लगने के चांसेस भी हैं अगर उसको कोई जानवर वगैरह खोद के बाहर निकाल देते हैं तो उस कारण से, या कोई मान लो सुनामी वगैरह आती है या कोई हैवी रेनफॉल होता है, फ्लडिंग आती है, तो उसकी वजह से ऊपर वाली जो लेयर है जो मिट्टी की डाली हुई है वो वहाँ से बह सकती है, उसके बाद वेस्ट जो है वहाँ से बह के जा सकता है। तो ये सब कारण आते हैं क्यों जो डंपिंग होता है लैंडफिल साइट में वो ख़राब होता है, ठीक है। और डंपिंग में भी लैंडफिल साइट एक होती है नॉर्मल, जिसके अंदर डंप करोगे, मिट्टी के अंदर डंप कर दिया, ऊपर से भर दिया, एक होती सैनिटरी लैंडफिल साइट जिसके अंदर आप यहाँ पे नॉन परमिएबल, मतलब जिससे जो हमारा वेस्ट है वो नीचे की तरफ नहीं लीच नहीं कर सकता या साइड की तरफ नहीं लीच कर सकता, ऐसी लेयरिंग लगाओगे, सीमेंट की लगा रहे हो, प्लास्टिक की लगा रहे हो, कोई लेयरिंग लगाते हो, तो इंडिया के अंदर लैंडफिल साइट नॉर्मल वाली फॉलो की जाती हैं, ये वाली थोड़ी महंगी होती हैं तो इंडिया के अंदर यहाँ पे कम फॉलो किया जाता है। तो सैनिटरी लैंडफिल जो है ज़्यादा सेफ़ है लैंडफिल से, लेकिन
अगर आपके पास में लैंड की कमी है, इंडिया जैसी कंट्री के पास में लैंड की इतनी कमी है, आप लैंड फिल के अंदर इतनी लैंड वेस्ट करोगे तो वो काफ़ी गलत बात है। फिर बात करेंगे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन की, तो जो टॉप 10 सिटीज़ हैं हमारी उनकी अगर रैंकिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले कलकत्ता आएगा, फिर हमारे पास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद। तो इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ पे कोलकाता एंड मुंबई, दिल्ली, ये जो सिटीज़ हैं ये टॉप कर रही हैं इसके अंदर में। और ये डाटा टॉप 10 सिटीज़ का है, इसके अलावा भी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं और रूरल इंडिया का डाटा तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट का कंसेप्ट भी आएगा। तो आपको पूछा जा सकता है, जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है कि सिटीज़ को स्मार्ट बनाने की बात है, वहाँ पे किस तरीके से सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट की जाए। तो सबसे पहले तो आपको बताना है सॉलिड वेस्ट क्या होता है, इसको कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके बाद कौन इसको लेके जाएगा, फिर इसको कैसे प्रोसेस करेंगे और फिर इसके नीचे लेके जाएंगे। अगर आपको पता है सॉलिड वेस्ट कितना जनरेट होता है, उसमें से कितने की परसेंटेज कितनी हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली, तो आप बता सकते हो उसको कि ऑर्गेनिक को कैसे करना चाहिए, रिसाइक्लेबल का क्या करना चाहिए, हजार्डस का और इनर्ट का क्या करना चाहिए, वो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। इसके अलावा आपको सुजेशन आगे मिल जाएंगी। फिर बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इसको डिस्पोज करने की। तो एज़ पर द रूल 4 ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000, उसके तहत बोला गया कि म्यूनसिपल जो अथॉरिटी है वो इसके लिए जिम्मेदार होगी, वो रिस्पॉन्सिबल है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ताकि जो हमारा वेस्ट है उसको सेग्रीगेट किया जा सके। सेग्रीगेट का मतलब वेस्ट तो आपका इतना निकल रहा है लेकिन उसको सेग्रीगेट, ऑर्गेनिक में सेग्रीगेट करना, रिसाइकल, हजार्डस, इनर्ट, मतलब उसको बायोडिग्रेडेबल में और नॉन बायोडिग्रेडेबल में उसको सेग्रीगेट करने की जिम्मेदारी वो हमारी म्यूनसिपैलिटी की आती है। फिर उसको प्रोसेस करना है, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट वगैरह करना है, जो भी चीज़ें उसकी करनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है म्यूनसिपैलिटी की। अब हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दो स्ट्रेटेजीज आती हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड मेथड और एक है डिसेंट्रलाइज्ड। तो इसमें सेंट्रलाइज तरीके से इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द लोकल एरिया बाय मीन ऑफ लैंडफिलिंग डंप आउटसाइड द सिटी नगर पंचायत लिमिट। दिस प्रोसेस टुक डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट बाय वेस्ट पिकर हु हैंड ओवर द कलेक्शन टू द कलेक्शन टीम हु देन डिस्कार्ड द कलेक्टेड वेस्ट ऑन लैंडफिल। तो सेंट्रलाइज्ड मेथड जो है, जो कि इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, आप वेस्ट जनरेट करोगे, जो अथॉरिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है म्यूनसिपल अथॉरिटी, वो जो है डायरेक्ट करेगी हम वहाँ पे जो रैग पिकर हैं, जो कि जिनका कलेक्शन का काम है कि आपको घर घर जाके डोर टू डोर जाके आप कलेक्ट करोगे उसको, उसके बाद इसको गाड़ियों में भर के लेके जाएंगे और उसके बाद एक साइट देखी होगी, या तो उसको थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे उससे पहले, उसको सेग्रीगेट करेंगे ये कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, उसको सेग्रीगेट करेंगे। थोड़ी सी प्रोसेसिंग अगर इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी कि काफ़ी कमी है इंडिया के अंदर, अगर वो अवेलेबल है थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे, और उसके अलावा जो वेस्ट बचेगा, अब हमने देखा कि राउंड अबाउट 60% जो वेस्ट है उसको तो डंप ही कर दे रहे हैं, तो उसको लेके जाएंगे ये सिटी से बाहर, डंप आउटसाइड द सिटी, मतलब जहाँ पे ये काम कर रहे हैं उसके आउटसाइड कोई एरिया देखेंगे, वहाँ पे उसको डंप कर देंगे, उसको एरिया देखेंगे वहाँ पे डंप करेंगे, उसको मिट्टी से भरेंगे और आ जाएंगे वहाँ से, और उसके उससे कितने ज़्यादा दुष्प्रभाव हो सकते हैं वो तो हमने देख लिए हैं। तो यह है सेंट्रलाइज्ड मेथड। अब यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड मेथड की काफ़ी कमियाँ हैं, उसके लिए हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड मेथड की बात होती है, हालांकि इंडिया के अंदर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है अभी भी। हमारे पास 2016 के अंदर रूल लेके आए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, उनकी ड्रॉबैक की बात करेंगे तो उनके अंदर स्ट्रेस नहीं दिया गया डिसेंट्रलाइज्ड किस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जाए, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, आप डिसेंट्रलाइज तरीके से एक लोकल एरिया में बनाओगे, छोटे छोटे क्लस्टर बनाओगे, वहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 100 घर हैं, वहाँ से डिसेंट्रलाइज तरीके से इनकी जिम्मेदारी आप बता दोगे, कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनाओगे, और ये जो हैं उस वेस्ट को कलेक्ट करेंगे और एक प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने बना के रखी होगी यहाँ पे, वहाँ पे इसको प्रोसेस करेंगे, मतलब ये पहले तो ये जो हमारे पास पर्सन है ये क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग करके रखेंगे, एक तो इनकी ये जिम्मेदारी, उसके बाद ये पैसे देके जो पर्सन होंगे उनसे कलेक्ट करवाएंगे, मतलब एक अपनी एक छोटा सा क्लस्टर बना के वहाँ पे उसको प्रोसेस करेंगे, उसके अलावा जो बच जाएगा उसको वहीं पे डंप कर दिया जाएगा, जो छोटा सा अमाउंट बचेगा उसको डंप कर दिया जाएगा। तो ये लोकेलिटी के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड वे में लोगों को बोला गया कि आप ये प्रोग्राम करोगे। जो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है ये कहीं कहीं पर फॉलो किया जा रहा है, जैसे हमारे पास में प्लेसिस सूर्यपेट इन आंध्र प्रदेश, बेंगलोर एंड कर्नाटका।
और डिसेंट्रलाइजेशन इनकी अलग अलग काइंड की हो सकती है, जैसा हमने जो अभी देखा वो भी हो सकती है यहाँ पे, या ये हो सकती है कि ये जो पीपल हैं इनके ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा के रखी हुई है कि आपको उसको सेग्रीगेट करना है, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी उन जो सामान होगा उसको वहाँ से उठाएगी, उसके बाद उन्हीं की लोकेलिटी में उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद वहीं पर डंप किया जाएगा, या ये भी हो सकता है वहाँ पर प्रोसेस किया जाए उसके बाद उसको लेके जाके किसी और प्लेस पर डंप किया जाए। तो इसके जो अलग अलग रूप हैं वो यूज़ हो सकते हैं और प्रेजेंटली हो रहे हैं अलग अलग प्लेसेस के ऊपर, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डिफरेंस है। इनके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि नॉट इन माई बैकयार्ड कैंपेन, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला गया था, सेंट्रलाइज सिस्टम में बोला जाता है डंप करना है आउटसाइड सिटी, आपकी जो लिमिट है आपका जो टेरिटोरियल लिमिट आ रही है म्यूनसिपैलिटी की, आपने उससे आउटसाइड कहीं पे डंप कर देना उसको, कोई पर्टिकुलर एरिया देखा वहाँ पे डंप कर दिया। तो जब आप किसी पर्टिकुलर, जैसे दिल्ली के अंदर ये काफ़ी प्रचलित होता है, अलग अलग विलेजेस के अंदर आपने नाम सुना होगा इसके बारे में, नॉट इन माई बैकयार्ड प्रोग्राम, तो इसके अंदर बोला जाता है जो जिस प्लेस के पास में उस चीज़ को डंप किया जाता है वो मना करते हैं कि हमारे पास में क्यों डंप कर रहे हो, ये इतनी बीमारियां कॉज करता है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे डंप नहीं करना चाहिए। तो इसी कारण से डिसेंट्रलाइजेशन का मेथड काफ़ी अच्छा है सेंट्रलाइजेशन मेथड के कंपैरिजन में। आपको क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रलाइज मेथड के ऊपर। सेंट्रलाइज मेथड में आप क्या करोगे, जो वेस्ट कलेक्शन होगा उसके लिए डोर टू डोर जाना पड़ेगा आपको, और उसके अंदर क्या कमी है, जैसा हमने देखा वहाँ पे जब वेस्ट के बारे में बात कर रहे थे 68 मिलियन टन था, ठीक है, इसके नोट्स नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो 68 मिलियन टन वेस्ट जनरेट हो रहा था, उसमें से 43 के करीब जो था उसको कलेक्ट कर लिया जा रहा था, 43 कलेक्ट कर रहे थे, 43 में से 11 जो था मिलियन टन उसको जो था ट्रीट किया जा रहा था, और राउंड अबाउट 32 के करीब हमारे पास में मिलियन टन उसको डंप कर दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये इशू आ रहा है, तो सबसे पहला जो इशू है सेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं इसके अंदर। अब आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, म्यूनसिपैलिटी को बोल दिया आपकी जिम्मेदारी है आप करोगे ये, तो सबसे पहले इशू आ रहा है, एक तो आप पूरा वेस्ट कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फर्स्ट इशू हमारे पास में क्या आता है कि वेस्ट जो कलेक्टर है, वेस्ट कलेक्टर पूरे अर्बन सेंटर से वहाँ से कलेक्ट करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, एक तो उनकी मैन पावर कम है या उनको लोकेलिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस वजह से एक तो पूरा कलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा कि डिसेंट्रलाइज हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, तो आपको बताना है कमियां सेंट्रलाइज में, तो फर्स्ट आपके पास में आ गई कि वेस्ट कलेक्टर पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से जो डाटा हमने बताया उसके बारे में आप लिख सकते हो। फिर हमारे पास बात आती है, आपने उसको कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या है, जो वहाँ पे डंप करना है, जहाँ पे प्रोसेस करना है वो काफ़ी दूर है, अब वहाँ से यहाँ तक गाड़ी के अंदर लेके जाओगे, गाड़ियों का क्या डिज़ाइन होगा, वहाँ से कितना वेस्ट आपका लीक करके चला जाएगा, वेस्ट के अंदर तो सेमी सॉलिड भी है उसके अंदर लिक्विड वेस्ट भी है, तो उसके लिए आपने किस तरीके की गाड़ियाँ आपने देखी हैं वेस्ट को कलेक्ट करके, कौन सी गाड़ियों में लेके जाते हैं, वो गाड़ियाँ किस टाइप की होती हैं, वहाँ से कितना जो है जो वेस्ट होता है वो नीचे गिर जाता है, उस टाइप की चीज़ें, एक तो वो चीज़ें वेस्ट जो है वेस्ट होता है, मतलब उसको वहाँ से ले जाने में इशू होते हैं। सेकंड बात यहाँ पे आती है, इसको जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे यहाँ से तो आपको फ्यूल भी लगेगा, फ्यूल अगर लगाओगे यहाँ पे तो फिर से फ्यूल आपका यूज़ होगा, उससे जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और CO2 वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो रिलीज होंगे एनवायरनमेंट में, फिर से पॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए भी पॉल्यूशन होगा, तो दूसरा हमारे पास में ये आ जाता है। सेकंड है जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इसमें हम करते क्या हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम में एक पर्सन, दो, तीन, चार, आप डोर टू डोर जाके इनसे कलेक्ट कर रहे हो, मतलब इनको आप रिलीव कर दे रहे हो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे, हालांकि इनसे फीस ली जाती है, बट यहाँ पे क्या बात है, आप इनको, इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका कचरा है आपको इसको साफ़ करना है। जब आप इनको बोलोगे कि आपको सेग्रीगेट करके रखना है इसको, जो कि 2016 के रूल्स के अंदर बोला गया है, तो ये जो पर्सन होंगे इनको ज़्यादा एंथुसियाज्म नहीं होगा, मतलब ये नहीं सोचेंगे कि उसको सेग्रीगेट करके रखें, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे कि सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना नुकसान होता है सॉलिड वेस्ट से। तो इन सब कारणों से ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है इसके अंदर थोड़ा इशू क्रिएट होता है, इसके अंदर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि होनी चाहिए थी वेस्ट जनरेट करने वाले पर्सन की, या इंडस्ट्री की, या किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट अथॉरिटी, या जो भी वहाँ पे होटल वगैरह है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर देते हैं हम कहाँ पे, जहाँ पे वेस्ट को डंप करना है, मतलब आपने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनसे रिलीव कर दिया, अब ये जो थे अपने मन मुताबिक काम करेंगे। एंड फिर हमारे पास में आएगा सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक और कमी आ सकती है कि जो आप नॉट इन माई बैकयार्ड कैंपेन था कि आप उसको एक तो डंप करोगे इतने दूर जाके उसको, तो वहाँ की जो जनता होगी वो प्रोटेस्ट कर सकती है उसके खिलाफ में, तो ये प्रॉब्लम आती है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर।
इसी को जब डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, पीपल को बोला जाएगा आपकी जिम्मेदारी है, इसको लोकेलिटी के अंदर ही डंप करेंगे, इसको आप ही इसको प्रोसेस करोगे, आप इससे कंपोस्ट बनाना है तो बना लो, आपने जो है आप इसका यूज़ कर सकते हो, आप इससे एनर्जी बना सकते हो, वो आप खुद बेच लो, और इसके कारण आप लोकेलिटी के अंदर आपने क्लस्टर बना के रखा हुआ है वहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो इस कारण से मतलब सोशल जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, सामाजिक उद्यमिता, उसके अंदर क्या करते हैं, जो एक मतलब आप एम्पायर खड़े होकर यहाँ पे बिजनेस वगैरह बनाओगे, जिसके अंदर जिसका काम होगा यहाँ से कलेक्ट करना, उसके बाद उसको कंपोस्ट में बदलना या उसको एनर्जी के अंदर बदलना। और सोशल इसको तभी बोला जा रहा है क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, मतलब बिजनेस कर रहे हो आप, जो कि सोशली किसी को फ़ायदा दिला रहा है, तो सोशली सस्टेनेबल वे के अंदर जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करोगे तो उसको बोलते हैं हम सामाजिक उद्यमिता, तो उसको यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है, एक तो आप ट्रांसपोर्टेशन आपका कॉस्ट जो है वो नहीं बचे, वो बचेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो उससे हमारा फ्यूल की कंजम्पशन होती है वो बचेगी। सेकंड, वेस्ट जो कलेक्टर थे वो पूरा वेस्ट कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइज करोगे, लोगों को बोलोगे कि आपके एरिया के अंदर जो कचरा है वो साफ होना चाहिए, तो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी, जब वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तो पूरा आप कचरा वहाँ से साफ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इनकी दोगे तो इनको पता होगा हमें अपने घर का कचरा कैसे साफ करना है, ये ज़्यादा उसके लिए एंथुसियाज्म दिखाएंगे, ठीक है। और जो हम डंपिंग साइट की बात कर रहे थे जिसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी चीज़ें इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। और ये एक बिजनेस मॉडल भी बन सकता है पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए, वो वहाँ पे अपने पैसे भी लगाना चाहेंगे ऐसे बिजनेस के अंदर, वहाँ से जो कंपोस्ट बनेगी उसको अपने गार्डन के अंदर लगा दो, एनर्जी बन रही है उसको यूज़ कर लो अपने लिए। तो ये सब कारणों से डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वेस्ट मैनेजमेंट का ज़्यादा अच्छा है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से। अब देखते हैं मेथड कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं अगर आपने डिकम्पोज करना है वेस्ट को, आपने कलेक्ट कर लिया जो भी चीज़ें कर ली, या तो आपने कलेक्ट करके उसको ले गए, छोटी सी प्रोसेसिंग की उसके बाद डंप कर दिया, या आपने डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो करके वहीं पे उसको प्रोसेस किया, डंप किया, वो सब चीज़ें जब आप करोगे तो आपके पास में क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हो वेस्ट के साथ। फर्स्ट तो ओपन उसको डंप कर सकते हो, किसी अनकवर्ड एरिया के अंदर उसको डंप करोगे और उसको वैसे ही छोड़ दोगे, अनकवर्ड होगा वो, नॉन सेग्रीगेटेड होगा, उसको अलग अलग नहीं किया है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग नहीं किया है, एक एरिया देखा आपने वहाँ पे उसको डाल दिया और वहाँ से भाग गए। इससे क्या होगा, बीमारियाँ हो सकती हैं, नीचे की तरफ लीच कर सकता है, सॉइल पॉल्यूशन कर सकता है, सरफेस वाटर को पॉल्यूट कर सकता है, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकता है। सेकेंड हमारे पास आता है थोड़ा सा इसका इम्प्रूव्ड वर्जन, लैंडफिल, मतलब आप एक गड्ढा खोदोगे उसके अंदर डालोगे और उसके बाद उसको कवर कर दोगे, एवरीडे उसको कवर करोगे, अगली बार जब आपने फिर से उसमें वेस्ट डालना उसको अनकवर करोगे फिर से वेस्ट डाल दोगे। लेकिन इसमें क्या इशू है, नीचे की तरफ तो लीच करेगा ही करेगा, जो वेस्ट होगा आपका वो नीचे की तरफ जाएगा, अगर कोई जानवर वगैरह इसको खोद देते हैं तो ये उसको फैला भी सकते हैं, कोई भूकंप वगैरह आता है, फ्लडिंग वगैरह आती है, सुनामी वगैरह आती है, तो उसमें इशू क्रिएट हो सकते हैं और आप सॉइल की वेस्टेज कर रहे हो। तो दूसरा तरीका ये हो गया, और इंडिया के अंदर यही तरीका फॉलो किया जाता है मोस्टली लैंडफिल वाला। फिर हमारे पास लैंडफिल वाला एक और तरीका आता है, सैनिटरी लैंडफिल। अब यहाँ पे क्या था, पहले वाली में मटेरियल जो था वो लीच कर रहा था साइड के एरियाज के अंदर में और पॉल्यूशन कॉज कर रहा था। सैनिटरी में क्या करोगे, कोई मटेरियल से लाइनिंग लगा दोगे इसमें जो आप खोदोगे, सीमेंट से लगा सकते हो, प्लास्टिक वगैरह से लगा सकते हो, ये लगाई उसके बाद वेस्ट डाला इसके अंदर, उसके बाद इसको भर दिया, तो ये आ गया सैनिटरी लैंडफिल। ये थोड़ा महंगा है तो इंडिया के अंदर इसको फॉलो करना थोड़ा हमारे लिए बजट से बाहर हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंसिनरेशन प्लांट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, बर्न एट, उसको बर्न किया जाता है फर्नेस के अंदर लार्ज टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद उससे मटीरियल वगैरह निकलता है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मटीरियल इंसिनरेशन से आप उसका फ्यूल भी बना सकते हो, या जो इंसिनरेशन से हीट प्रोड्यूस होती है उससे क्या कर सकते हो, पानी को हीट करोगे, उसको टर्बाइन पे छोड़ोगे और इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड होता है। इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस, ये हमारे पास में दो प्रकार आ रहे हैं, इसके अलावा भी प्रकार होते हैं जिससे हम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप सुनते होंगे कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाना है, तो उसके अंदर ये दो तो हमारे पास आते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मेथड आते हैं जिनके द्वारा हम वेस्ट को, जो हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, उसको हम जला के उससे हम यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई फ्यूल वगैरह बना सकते हैं उससे। तो वो डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा है, कौन से मटेरियल को आप जला रहे हो, दूसरी बात कितने टेम्परेचर पर जला रहे हो, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़ें। लेकिन इंसिनरेशन में हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको जलाएंगे, लेकिन इसके अंदर भी इशू ये है कि इसके अंदर थोड़ा टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से फ्यूल वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, तो ये जो है मेथड काफ़ी ज़्यादा कामगार है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है इंसिनरेशन प्लांट। लेकिन इसके अंदर भी आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो ये करना चाहिए। फिर हम पायरोलिसिस कर सकते हैं, पायरोलिसिस का मतलब आप थर्मल मतलब हीट के अंदर डिकम्पोज करोगे उसको, जिसके अंदर
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। इंसिनरेशन में क्या कर रहे थे, हाई टेम्परेचर पे जला रहे थे, यहाँ पे क्या करोगे ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर उसको जलाएंगे, और उसके बाद वहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हो आप, वहाँ से सॉलिड फ्यूल भी प्रोड्यूस कर सकते हो, लिक्विड फ्यूल भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, गैस बना सकते हो, वो डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, सेकेंड बात कितने टेम्परेचर पर उसको हीट कर रहे हैं। तो उसके अंदर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पायरोलिसिस से आप चारकोल बना सकते हो जो कि वुड की हीटिंग से बनेगा, ठीक है, या आप कोक बना सकते हो जो कि इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है, जिसको कोल की हीटिंग से बनाया जाता है। तो पायरोलिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रोसेस आती है, पायरोलिसिस के लिए भी आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, प्लांट ऐसा तो होगा नहीं आप ऐसे ही हीट कर दोगे, आपको वैक्यूम क्रिएट करना है, उसके बाद अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं पायरोलिसिस के अंदर भी, कौन सा फ्यूल प्रोड्यूस करना है उसके लिए अलग प्रोसेस हो सकती है, अलग टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रोसेसेस में। जब वेस्ट टू एनर्जी अगर आप कवर करोगे, वेस्ट टू एनर्जी टॉपिक जो कि मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, और इंडिया के अंदर कितना वेस्ट टू एनर्जी के लिए काम हुआ है, इंडिया को कितना ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वो सब आपको टॉपिक कवर करने पड़ेंगे वहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर आता है हमारे पास कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर हमारे पास कोई बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि जिंदा है उसका यूज़ किया जा रहा है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया वो डिकम्पोज करेंगे जो डिकम्पोजेबल मटीरियल होगा। मटीरियल में भी यहाँ पे अलग अलग मटीरियल हो सकता है, कुछ मटीरियल तो आपको डंप करना ही करना पड़ेगा क्योंकि उसको आप जला भी नहीं सकते, रिसाइकल भी नहीं कर सकते, वो तो डंप करोगे, लेकिन एक लार्ज परसेंटेज ऑफ मटीरियल है, जैसे हमने देखा था 51% तो उसी में आ रहा था, बाकी को रिसाइकल कर सकते थे। तो यहाँ पे उसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर फंजाई और बैक्टीरिया उसको तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट में, उसका ह्यूमस बन जाएगा, सॉइल लाइक लुकिंग मटेरियल ह्यूमस, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन और अदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं उनके अंदर रिच होता है, उसको सॉइल में डालो, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, सॉइल की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वो भी इससे इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट आता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग भी कंपोस्टिंग की तरह ही सेम होता है, बट इसमें वॉर्म्स का यूज़ किया जाता है, जैसे वॉर्म्स में हमारे अर्थ वॉर्म आता है, अर्थ वॉर्म को छोड़ देंगे, अर्थ वॉर्म जो क्या करेगा, जो आपकी कंपोस्ट मटेरियल है उसको खाएगा, और अर्थ वॉर्म का जो एक्सक्रीटा होगा, जो वेस्ट ये बाहर निकालेगा, वो जो है काफ़ी यूज़फुल होता है, तो इसको खा के बाहर निकाल निकाल के ये जो है इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा, और ये जो वॉर्म कंपोस्ट बनाएंगे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, इसको आप एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर यूज़ कर सकते हो। और जो वर्मी कंपोस्टिंग आप करोगे यहाँ पे, इसको जो कंपोस्टिंग है उससे थोड़ी अच्छी है ये, क्योंकि कंपोस्टिंग आपकी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंजाई से हो रही है, तो ये टेम्परेचर से ससेप्टिबल होगी, अगर कोल्ड वेदर आएगा तो ये जो प्रोसेस होगी स्लो हो जाएगी, वैसे भी ये काफ़ी टाइम टेक करेगी अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, फंजाई और बैक्टीरिया के एक्शन के लिए छोड़ोगे तो काफ़ी टाइम लेगी ये, लेकिन वर्मिंग कंपोस्टिंग थोड़ी फास्ट होती है। इसीलिए जब हमने बात की डिसेंट्रलाइज्ड मेथड की, वो क्या कर सकते हैं लोग वहाँ पे उस प्लांट में जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, फिर उसको बेच सकते हैं, वर्मिंग कंपोस्टिंग कर सकते हैं जो कि फास्ट है, इकोनॉमिकल है, आप वॉर्म वगैरह लेके आओगे वार्मिंग के लिए, मतलब एक इंडस्ट्री बन सकती है हमारे लिए वेस्ट मैनेजमेंट की, और वेस्ट मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है, और 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि ये लगभग $14 बिलियन तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री अगर बन सकती है तो उसके अंदर इंडिया को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर बात करेंगे जो एक्सक्रीटा होगा वो हमारा कंपोस्ट बना सकता है जो कि रिच होता है न्यूट्रिएंट के अंदर, तो वर्मिंग कंपोस्टिंग की जा सकती है डिसेंट्रलाइज्ड मेथड के अंदर। अब बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर, यहाँ से आपको ये मटेरियल भी मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो तो हमने देख लिया है पहले, थोड़ी और प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं वो यहाँ पे मिलेंगी और उनके सॉल्यूशन भी इन रूल्स के अंदर मिलेंगे। तो 2016 के अंदर रूल्स लेके आए, इससे पहले हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000 थे, मतलब 16 सालों के बाद इनको अपडेट किया गया, 16 सालों के अंदर हमारे जो वेस्ट जनरेशन थी कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो सॉलिड वेस्ट रूल 2016 लेके आए, इसमें बोला गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरेटर की, जो जनरेट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेग्रीगेट करे वेस्ट को, वेस्ट को अलग अलग करके रखे, वेस्ट को अलग अलग करके कैसे रखेगा वो, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो सकता है, वेट, ड्राई एंड हजार्डस वेस्ट। तो वेट जो वेस्ट होगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा, मतलब उसको आप डिग्रेड कर सकते हो आसानी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह डिग्रेड कर सकते हैं। ड्राई जो होगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, सॉरी ड्राई जो होगा मतलब वेट जो वेट होगा और मोस्टली वो बायोडिग्रेडेबल होगा। ड्राई के अंदर हमारे पास प्लास्टिक जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पेपर को डिग्रेड किया जा सकता है लेकिन उसको रिसाइकल करने के लिए बनाया जाएगा, प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, मेटल, वुड, मतलब अलग अलग तरीके से उसको हम डिवाइड करेंगे, ये बोला गया जनरेटर को। अब डिवाइड जब उसको अलग अलग करेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग भी अलग अलग होगी, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको हम डायरेक्टली उसका हम यूज़ कर पाएंगे, वो वेट वेस्ट भी होगा, उससे हम
डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए, या कंपोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्राई वाले का यूज़ हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, पेपर मेटल को रिसाइकल कर सकते हैं, वुड से कोई फ्यूल वगैरह बना सकते हैं, चारकोल बना सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, जैसे डायपर, नैपकिन, एम्प्टी कंटेनर ऑफ क्लीनिंग एजेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट, इनके अंदर कुछ इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इनकी प्रेजेंस यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ह्यूमन बॉडी के साथ में अटैच हैं, तो इन कारणों से ये जो हैं हजार्डस हो सकते हैं। तो इनका जो डिस्पोजल होगा वो अलग तरीके से किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि जनरेटर जो होगा वेस्ट का, उसको यूज़र फ़ी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। वेस्ट जो कलेक्ट करने वाला पर्सन होगा उसके लिए यूज़र फ़ी कलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यूज़र फ़ी अलग अलग तरीके से डिसाइड की जाएगी, जो लोकल गवर्नमेंट होगी वहाँ की वो डिसाइड करेगी। और अगर वो वेस्ट जो है ऐसे फेंकेगा, रोड के ऊपर वेस्ट फेंकेगा या किसी पब्लिक प्लेस में वेस्ट फेंक रहा है, तो उसके ऊपर फ़ाइन भी लग सकता है। और उसने अगर सेग्रीगेट नहीं किया तो भी उसके ऊपर फ़ाइन लग सकता है। कितना लगेगा वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी, लोकल अथॉरिटी, जिसकी जिम्मेदारी है वेस्ट को कलेक्ट करना, ठीक है। और ये जो यूज़र फ़ी है, इसका भी हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी इशू है क्योंकि ये काफ़ी कम है। जो वेस्ट कलेक्टर है उनको काफ़ी कम पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे एक सुजेशन हो सकती है कि यूज़र फ़ी को आप इंक्रीज़ करने के लिए जो वाटर का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, या जो भी म्यूनसिपल टैक्सीज वगैरह लिए जाते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा प्लस कर दिया जाए यूज़र फ़ी को, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके यूज़र फ़ी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ताकि वेस्ट जो कलेक्टर होंगे उन्हीं के पास भी मोटिवेशन हो। और दूसरी, पहली बात तो मोटिवेशन होनी चाहिए उनके पास। दूसरी बात, अगर आपने प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, प्राइवेट कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि आपने इस एरिया से, ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ से वेस्ट को कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करना है, प्राइवेट पार्टी तभी एंटर होगी यहाँ पे अगर उनको प्रॉफिट लगता है। प्रॉफिट तभी हो सकता है अगर आप वेस्ट कलेक्टर की सैलरी थोड़ी इंक्रीज़ करो, मतलब उसके पास में जो यूज़र फ़ी है उसको इंक्रीज़ करो, ताकि जो वेस्ट कलेक्ट करने वाला है उसको थोड़ा फ़ायदा हो वहाँ पे। उसके बाद कंपनी उसकी कंपोस्ट बनाएगी, वर्मी कंपोस्ट बनाएगी, एनर्जी बनाएगी, बेचेगी, वो कंपनी को भी फ़ायदा हो। तो आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को एक वायबल कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर देख सकते हो, अगर आप वहाँ पे चेंजेस लेके आओ कुछ, जहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है वहाँ पे फीस को इंक्रीज़ करो और इनको इंसेंटिव दो, इनको थोड़े टैक्स के अंदर इंसेंटिव दो, तो इन कंपनी को भी यहाँ पे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये रूल थे बियॉन्ड म्यूनसिपल एरिया, जहाँ पे म्यूनसिपल की रीच है, उसके अलावा भी एरिया जैसे सेंसस टाउन, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, एरिया अंडर कंट्रोल ऑफ इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट, एयरबेस, तो इन सब के ऊपर अप्लाई कर दिया गया। तो मतलब इन सब को बोला गया कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो जनरेट कर रहे हैं आपको उसको सेग्रीगेट करना है, उसके अलावा आपको यूज़र फ़ी भी देनी है, आपके ऊपर फ़ाइन भी लग सकता है। तो ऐसा इसके अंदर बोला गया प्रीलिम के अंदर। यहाँ से मतलब जो फैक्ट लिखे हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा आप देख लोगे तो आपका काम चल पड़ेगा। वैसे काफ़ी पुराने रूल हैं, क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम हैं, लेकिन मेंस के अंदर रूल्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आए ना आए वो भी आ सकता है, बट आपको जर्नल क्वेश्चन आएगा तो रूल्स के बारे में लिखोगे और इनके अंदर क्या लिखा था वो सब चीज़ें लिखोगे, तो काफ़ी अच्छा आपका आंसर लगेगा। और रूल से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इश्यूज़ क्या क्या हैं वेस्ट के मैनेजमेंट के अंदर। फिर हमारे पास बोला गया कि इंटीग्रेशन करेंगे वेस्ट पिकर, वेस्ट पिकर जिनको रैग पिकर भी बोलेंगे, और जो डीलर होते हैं, जैसे जो कबाड़ी वालास हैं जो कि डील करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उनको फॉर्मल सिस्टम में लेके आने पे। ये जो है इनफॉर्मल तरीके से काम करते हैं, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता कि इस एरिया के अंदर कितने काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके पास में क्या क्या सेफ्टी मेजर उपलब्ध हैं, इनको पता है एक्चुअल में कि इस वेस्ट को कैसे डिकम्पोज करेंगे, कौन से वेस्ट को रिसाइकल किया जा सकता है। अगर फॉर्मल में लेके आओगे तो आपको पता होगा, एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होगा, आपको पता होगा किस एरिया में कितने काम कर रहे हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हो कि किस तरीके से कौन से वेस्ट को डिकम्पोज करना है। ये सब चीज़ें जब आप बताओगे तो हम एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर अपने पूरे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए रूल्स के अंदर बोला गया। अब यहाँ से आप दो चीज़ें निकाल सकते हो, एक तो आपको सॉल्यूशन मिल गया सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए, दूसरा आपको प्रॉब्लम पता चल गई इंडिया के अंदर क्या है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर मोस्टली जो इनफॉर्मल हमारे पास सिस्टम है, कबाड़ी वाला, रैग पिकर, जो कि फॉर्मल सिस्टम है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट को पता है कौन है ये लोग, वो सिस्टम ज़्यादा फॉलो किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इसको फॉर्मल तरीके से बनाया गया, तो रूल्स के अंदर बोला गया कि फॉर्मल तरीके से इन सबको जो है सरकार के अंडर लेके आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर लेके आएंगे, इसके अंदर सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होते हैं उनकी मदद ली जाएगी और अदर फॉर्मल ग्रुप की मदद ली जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप पेपर टू के अंदर हमारा टॉपिक है। फिर आया बल्क एंड इंस्टीट्यूशनल जनरेटर, मार्केट एसोसिएशन, इवेंट ऑर्गेनाइजर, होटल, रेस्टोरेंट हैव बीन मेड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग वेस्ट। तो अगर कोई बल्क के अंदर जनरेट कर रहा है किसी वेस्ट को, कोई होटल वाला है, या मान लो कोई आपने प्रोग्राम क्रिएट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो रही है लोगों की, तो वहाँ पे अगर आपने कचरा वगैरह फेंक के वहाँ से भाग गए, तो उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो आपके ऊपर डाल दी गई है कि जो जन उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाला था उस होटल के अंदर, या मतलब जो पर्टिकुलर जिसका ओनरशिप है वहाँ पे, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है, उसके लिए आपको फ़ाइन वगैरह लगाया जा सकता है, यूज़र फ़ी आपसे वसूली जाएगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि जो कि लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट को जनरेट करेंगे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये वाली, उसको सेग्रीगेट करके रखना है, उनके ऊपर फ़ाइन वगैरह लग सकता है। तो
तो इसके अंदर इनको भी इंक्लूड कर लिया गया है, और इनको लोकल बॉडी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी इसको सेग्रीगेट करने के लिए और शॉर्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे बोला गया जो डेवलपर होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टेट, मतलब कोई बड़े बड़े आप इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप प्रोडक्शन करोगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पे एक ही प्रकार की प्रोडक्शन के लिए बहुत सी जोन बना दी, वहाँ पे टैक्स इंसेंटिव दिए गए हैं, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप इकोनॉमी के अंदर पड़ोगे। अगर आपने ऐसा कोई बड़ा सा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना है, वहाँ पे वेस्ट भी क्रिएट होगा क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह लगाओगे, वेस्ट भी बनेगा, तो वहाँ पे बोला गया एटलीस्ट 5% जो टोटल एरिया आप वहाँ पे ले रहे हो, इतना एरिया अगर आप ले रहे हो तो 5% इसका आपको मिनिमम छोड़ना पड़ेगा जहाँ पे आप रिकवर करोगे वेस्ट को, रिसाइकल की फैसिलिटी डेवलप करेंगे। तो इनको ये भी बोला गया कि आपको रिसाइकलिंग की फैसिलिटी डेवलप करनी है। बड़े बड़े जो बल्क ओनर हैं जहाँ पे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उनको भी यही डायरेक्शन दी गई कि आप अगर रिसाइकलिंग फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध करवाओगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, उसके लिए आपको इंसेंटिव वगैरह मिल सकते हैं। फिर ऑल मैन्युफैक्चरर, ब्रांड ओनर, मार्केटिंग कंपनी, उन सबको बोला गया कि आपको एजुकेट करना है जो आप सामान बेच रहे हो उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, वो आपको एजुकेट करना है उनको। या तो आप लिखो अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारे प्रोडक्ट को ऐसे डिकम्पोज किया जाता है, इसको आप खुले के अंदर नहीं फेंक सकते, वो सब चीज़ें आपको बताना है उनको। इसके अंदर फोकस भी किया गया कि हमें यूज़फुल मटेरियल को कंपोस्ट और बायोफ्यूल जैसी यूज़फुल चीज़ों के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, तो ये सब चीज़ें रूल्स के अंदर बोली गई थी। इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, हालांकि डिसेंट्रलाइजेशन का एक पार्ट होता है छोटा सा सेग्रीगेशन, उसके ऊपर फोकस किया गया, लेकिन पूरी डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर इस पर फोकस नहीं किया गया। बल्कि इसके अलावा हमारी जो स्टेट्स होती हैं वो भिन्न भिन्न स्टेट्स डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर अलग अलग तरीके से फोकस कर रही हैं। तो ये हमारा टॉपिक आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थर्मल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।